चौथा इन्होंने कहा 10 लाख करोड़ के लोन राइट ऑफ कर दिए। ये राइट ऑफ लोन वेवर नहीं होता संजय भाई, पता नहीं कौन से सीए और आईआरएस आपने भर्ती कर दिया अपनी पार्टी में, ऐसे लोगों को मत लाइए अपनी पार्टी में, जरा बचिए इनसे। राइट ऑफ का मतलब वेव ऑफ नहीं है, राइट ऑफ का मतलब कि उसके लिए डिपॉजिटर्स की प्रोविजन की गई है, पर उनकी गर्दन में ना हाथ डाल के हम पैसा ला रहे, इसीलिए 8 वर्षों में 8.6 लाख करोड़ लाया है हमने। चल झूठा, राइट ऑफ और वेव ऑफ का मुझे फर्क समझा रहे हैं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन इतना बेवकूफ दूसरे को नहीं समझना चाहिए। राइट ऑफ वो होता है जो बैलेंस सीट से नाम निकाला जाता है। आपकी सरकार का जवाब है, आप चैनल पे बैठ के पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं 8 लाख करोड़ की रिकवरी कर डाली आपने, आपके मंत्री का जवाब दिया हुआ है सुनिए ध्यान से पहले, और वो जवाब ये है कि 5 वर्षों में 86,986 करोड़ रुपए राइट ऑफ लोन का आपने वापस लिया है। कब दिया? 7 दिसंबर 2021 राज्यसभा में दिया हुआ जवाब है, इसलिए चैनल पे बैठा करो, पढ़ लिख के आया करो, पूरी जानकारी लेके आया करो। अरे भाई अब फिर बोलोगे तो आप फिर बोलोगे। आपने एक अच्छा टाइम लिया है, जरा उनको भी जवाब देने दीजिए ना। झूठ बोलने वाले लोग ऐसे ही टोका टीका टिप्पणी करते, तुम तो यार अच्छे आदमी थे, अच्छे खासे आदमी थे, आप चले गए भारतीय जनता पार्टी में, पीपल पार्टी में क्यों चले गए भाई? बात पूरी कर लेंगे ना, आप अपने सवालों का तो जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका भी बताता हूँ, 8 लाख करोड़ का जवाब पार्लियामेंट में दिया गया। बात तो तुम्हारी पूरी सुनी ना, पूरी करनी हो तो और बोल लो भाई। राइट ऑफ लोन कितना वापस लिया जवाब दीजिए आप, एनपीए मत बताइए मुझे, राइट ऑफ बताइए। जो बैलेंस सीट से आपने लोन हटाए, एनपीए कैटेगरी और राइट ऑफ कैटेगरी को मिक्स मत कीजिए। एनपीए लोन हो गया बैड लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि कई महीनों तक अगर किसी कर्जदार ने बैंक को लोन नहीं जमा किया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आता है, बैड लोन में आता है। राइट ऑफ लोन ये हुआ कि जिससे बैंक हताश हो गया, निराश हो गया और ये बोला कि अब तो ये वापस मिलना नहीं है, चलो इसको बैलेंस शीट से नाम हटा दो, वो है 11 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 86,986 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने वापस लिया है। और आरटीआई की जानकारी है मेरे पास, कई चैनलों पे दिखा चुका हूं, बोलोगे तो अभी फिर दिखा दूंगा। इसलिए एक राष्ट्रीय चैनल पे जब आप बैठते हैं तो आप अपनी पार्टी की पार्टी से आपको गलत जानकारी मिलती है, वो आपकी समस्या है, लेकिन जब यहाँ पर आइए तो सही जानकारी दीजिए। संजय जी और शहजाद जी सही बातें, थोड़ी देर के लिए मैं भी बोलूं? नहीं। पूरे देश को गुमराह कर रहा है, राइट ऑफ कैटेगरी के लोन को बता नहीं रहा है। आप सोचती हैं कि मैं इस पे बोलूं? नहीं, आपने काउंटर किया और मैंने पूरा मौका दिया। आपने मौका दिया, राइट ऑफ लोन से कितना पैसा वापस हुआ, गुमराह मत कीजिए देश को। 10 लाख करोड़ रुपए आज भी लोन राइट ऑफ कैटेगरी में है, यानी कि बैलेंस शीट से हट गया। अगर यही सच है तो आप ऐसे ही छोटे व्यापारियों का बैलेंस शीट से बैंक के नाम हटाइए, ऐसे ही रेहड़ी पटरी वालों का कर्जा बैंक के खाते से हटा दीजिए, किसानों का कर्जा हटा दीजिए, नौजवानों का कर्जा हटा दीजिए, शिक्षा के नाम पे जो लोग लोन लिए उनका हटा दीजिए। आपको सारी कार्रवाई चाहिए और आपके सवालों का हम जवाब दें। उस जो देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं 6.5 लाख करोड़ रुपए, देश के रेल को, सेल को, बीपीसीएल को, एलआईसी को, पूरा देश बर्बाद करने पे लगे हो। ये हमारा फ्यूचर है।